हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। मध्य प्रदेश में 5 से अधिक मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल में सुलह नहीं हो सकी। रविवार सुबह सुलह के संकेत मिल रहे थे, दोनों पक्ष नरम पड़े, लेकिन शाम 4:30 बजे के बाद जूनियर डॉक्टर और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की मुलाकात के बाद भी हड़ताल खत्म नहीं हुई। जूड़ा ने 3 और मांगे जोड़ दी हैं। मंत्री ने कहा, हमने जूड़ा की मांगे पहले ही मान ली हैं। जूड़ा हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान कर हड़ताल वापस ले और काम पर लौटे। वहीं मंत्री से मिलने के बाद मध्य प्रदेश जूड़ा अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद मीणा ने कहा, हम मंत्री जी से मिलने खुद आए थे, हम हड़ताल खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मंत्री जी ने हमारी मांगों को लेकर न तो कोई आदेश दिया न कोई मीडिया के सामने आश्वासन दिया, हमारी हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। जूड़ा की 3 और नई मांगे हैं। पहली मांग, 31 मई के बाद इस्तीफा देने वाले डॉक्टरों पर की गई कार्रवाई को वापस लिया जाए। जूड़ा की दूसरी मांग, 2018 के जूड़ा डॉक्टर जिनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है उनको SR यानी सीनियर रेजिडेंट माना जाए। जूड़ा की तीसरी मांग, सरकार ने 17% स्टाइपेंड बढ़ाने पर सहमति दी है, जूड़ा 24% बढ़ाने की मांग कर रहा है। अब जूड़ा ने 17% के साथ बढ़ाने के साथ प्रतिमाह 3,000 या 4,000 रूपये बढ़ाने की मांग की है। एमपी के मंडला पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने शराब को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि शराब लोगों के लिए एक बड़ा टॉनिक है और कोरोना के समय यह बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, इसी वजह से शराब का सेवन करने वाले बहुत लोग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के कारण जब देश और राज्यों में लॉकडाउन हुआ तो सभी दुकानें बंद हो गईं, जिसके बाद जैसे ही दुकानें खुली लोग कैसे इसके पीछे दौड़ने लगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शराब लोगों के लिए जरूरी होने के साथ ही सरकार का एक बड़ा रेवेन्यू भी है। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.